अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, स्पेलिंग शॉर्ट कर दिया कंपाउंड का, ठीक है। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, सबसे पहले तो बात ये होगी, कोवलेंट कंपाउंड वो होंगे जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता होगा, जिनके एटम्स जो हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। जिनके एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, ठीक है, उनको जो है वो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर, लिखा हुआ, ठीक है, ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिख दिया। कोवलेंट कंपाउंड्स के दो टाइप्स होती है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। पोलर पोलर कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनके पोल्स जनरेट होंगे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले पोल्स, ठीक है। और नॉन पोलर वो होंगे जिनमें पोल्स जनरेट नहीं होंगे, वो बिल्कुल सिंपल होंगे, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। पोलर कंपाउंड्स किनके दरम्यान में बनते हैं? हेट्रो एटम्स मतलब डिफरेंट एटम्स के दरमियान, ठीक है। और नॉन पोलर किसके दरमियान में बनते हैं? होमो एटम्स। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है, सही होगी बात। यहाँ पे भी लिखा था डिफरेंट एटम्स के से और होमो एटम यानी कि सेम एटम्स के दरमियान, ओके। पोलर इनके दरमियान में बनता है, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, इसी तरह से HCl हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा और किसके दरमियान में बनता है? HCl के अलावा HF हो गया, ठीक है, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनते हैं वो पोलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि H2O हो गया, सही होगी बात। और होमो एटम्स ये किनके दरमियान में बनते हैं? जैसे कि सिमिलर एटम, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यानी कि सेम जो एटम्स होते हैं ना, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो पोलर होता है, सही होगी बात। अच्छा, सेम एटम्स, जाहिर सी बात है इनका जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर क्यों होगा, ठीक है, वट इज द रीजन दैट इट इज नॉन पोलर? रीजन इसकी ये है, देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों सेम है, ठीक है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट से शो कर लेते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए कि इस क्लोरीन का कितने हैं, इसके क्लोरीन के कितने हैं। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, इनकी कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा, और हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा? Cl2। अब क्या है, जितनी इसके ऊपर चार्ज, जितनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, को तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कोई खास नहीं है, तो इसलिए इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है, मतलब उनके पोल्स जनरेट नहीं होते, क्योंकि कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम्स के दरमियान में, होमो एटम्स के दरमियान में ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। पोलर जो है वो पोलर क्यों होता है, ठीक है। अब पोलर ये पोलर बॉन्ड क्यों होता है भाई? इसकी रीज़न ये है, एक हमारे पास बॉन्ड है H और Cl के दरमियान, क्लोरीन के पास से आउटर में शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके प्रोटॉन्स कितने होंगे? 17। अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शेल्स के अंदर, तो 17 प्रोटॉन्स भी है न्यूक्लियस के अंदर। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर लेगा, तो इसके ऊपर एज अ रिजल्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर कोवलेंट, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी, ये कौन सा बॉन्ड बना है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये रीज़न है
कि ये पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है, आई होप इट्स क्लियर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके बाद है डेल्टा साइन के बारे में बताया होगा कि व्हाट इज डेल्टा साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पूछ भी लिया जाता है। पोलर एंड नॉन पोलर के दरमियान में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये पूछा जाता है व्हाट आर पोलर कंपाउंड, गिव एग्जांपल, व्हाट आर नॉन पोलर कंपाउंड, गिव एग्जांपल। यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड गिव एग्जांपल, ठीक है। डेटा साइन, अब हमें पता है कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जैसे कि एच और सी एल के दरमियान में है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर एज अ रिजल्ट क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल साइन है जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, ये साइन इंडिकेट करता है किस पर्टिकुलर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम पुल कर सकता है, वो अपनी तरफ कम खींच सकता है, और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अटैच कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा साइन बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है वो इस साइन से शो किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ तो पॉजिटिव होती है या तो फिर नेगेटिव होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होती है ये मैंने अभी बता दिया कि क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ज़्यादा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड है, तो उसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटर्मिनेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटर्मिनेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ बॉन्ड, तो इसके लिए एक, इसके लिए जो है वो एक स्केल भी बनाया गया है, ठीक है, जो कि है पॉलिंग स्केल, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो 1.7 मिड वैल्यू रखी गई है, ठीक है। अगर इस एक तरफ जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी, एक तरफ जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, हमें पता है ना जो टेम्परेचर का स्केल होता है उसके ऊपर जिस तरह जीरो पे वैल्यू होती है, एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव और एक तरफ जो है वो प्लस में वैल्यू होती है, सेम इस तरह से पॉलिंग स्केल बनाया गया है जिससे हमें पता चलता है कि कोई बॉन्ड जो है उसकी कितनी वैल्यू होगी तो वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी बॉन्ड की, कंपाउंड की क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या होगा, बॉन्ड आयोनिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है उस कंपाउंड की, तो वो बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक होगी बात। और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि बताइए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन बॉन्ड है, ठीक है, नेचर ऑफ द बॉन्ड को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है, हाउ कैन वी डिटरमिन द नेचर ऑफ द बॉन्ड, तो उसको जो है वो पॉलिंग स्केल की मदद से डिटरमिन किया जा सकता है, ठीक है, कि अगर तो 1.7 से ज़्यादा है डिफरेंस आ गया है आपकी बॉन्ड का, ठीक है, तो वो है आयनिक बॉन्ड, अगर वो कम है तो वो है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। आपको अगर लेक्चर्स बिल्कुल क्लियर होंगे ना तो आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग इनको साथ साथ नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक तो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है, एंड शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।